हेलो गाइस, तो आज जो मैंने टॉपिक उठाया है वो आजकल के समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेरा आज का टॉपिक जो है वो है मर्दों से दहेज। लड़कियां जो एलिमनी या मेंटेनेंस जो मर्दों से लेती हैं डाइवोर्स के टाइम, वो भी एक तरह का दहेज ही है। खास करके ये जो चलन चल उठा है, झूठा केस डालो, एलिमनी लो, मेंटेनेंस लो, खास कर ये एजुकेटेड कपल्स जो हैं उनमें ज़्यादा है। लड़कियां कहती हैं कि हमें बराबरी के अधिकार चाहिए, और ठीक भी है, हम बराबर हैं, किसी मायने में कम नहीं है लड़कों से। पर जब डाइवोर्स के बाद वो अपने आप को देखती हैं तो कहती हैं कि सिर्फ हमारी लाइफ ख़राब हो रही है, लड़के का क्या जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, जब तुम इक्वालिटी के लिए लड़ रही हो और है भी, तो फिर सिर्फ तुम्हारा ही क्यों ख़राब हो रहा, लड़के का नहीं ख़राब हो रहा, लड़के का भी बराबर से लाइफ ख़राब हो रही है। पर लॉज ऐसे हैं हमारे कि जो लड़कियों को फेवर कर रहे हैं, जिनका ये लड़कियां बहुत बहुत ही ज़्यादा गलत फ़ायदा उठा रही हैं। क्या सिर्फ पैसा रह गया है दुनिया में? अरे, जो ये झूठे केस करती हैं, कभी गूगल पे कोरा डाल के देखो, फॉल्स केस एक्यूज्ड, क्या लाइफ है उनकी। हमारे लॉज कहते हैं कि शादी के टाइम दहेज लेना जुर्म है, तो डिवोर्स के टाइम मेंटेनेंस, एलिमनी, वो भी पढ़ी लिखी लड़कियां जो लेती हैं, वो जुर्म नहीं है। बहुत सीरियस टॉपिक्स हैं ये, जिन पे लॉज बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने चाहिए। डिवोर्स जब होता है, किसी एक की गलती से नहीं होता, दोनों जिम्मेदार होते हैं तभी होता है। पर लड़कियों ने इस बात को मजाक बना लिया, पैसा बनाने का जरिया बस, और कुछ नहीं है इन लोगों के लिए। और भी वीडियो बनाऊंगा मैं इसी टॉपिक पर। वैसे मैं कहता नहीं हूँ कि शेयर करो, पर इस वीडियो को ज़रूर शेयर करो। वो लड़कियाँ जो बस गलत केस डाल कर लूटना चाहती हैं लोगों को, उनके लिए है ये।